गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शशांक। आज मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो वी विल स्टार्ट। तो पहली चीज लेते हैं लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? तो लाइन की सिंपल डेफिनेशन होती है, दो पॉइंट्स लीजिए, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन रेखा होती है सीधी, वो होती है लाइन। लाइन में ये होता है, ना ही कहीं से शुरू होती है और ना ही कहीं पे खत्म होती है। लाइन मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जैसे आप नंबर लाइन जब आप पढ़ते हैं, नंबर लाइन आपने देखा होगा 0, 1, 2, -1, -2। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये लाइन होती है। दूसरी चीज होती है रे। रे में क्या होता है, आपका एक पॉइंट फिक्स होता है, स्टार्ट एक जगह से होता है, लेकिन उसका खत्म होने का कोई पॉइंट नहीं होता। तो ये एक लाइन ही है, रे इज अ टाइप ऑफ लाइन। ये एक तरीके की लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग फिक्स होता है, शुरुआत कहाँ से हो रही है ये हमें पता होता है, लेकिन अंत कहाँ पे हो रहा है ये डिसाइडेड नहीं होता। ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तीसरी चीज आती है इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो डॉट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करती है, वो होती है आपकी लाइन। लाइन में आपका स्टार्टिंग फिक्स रहता है और एंड फिक्स रहता है। तो हमने तीन चीज देखी, लाइन ना स्टार्टिंग फिक्स होता है ना एंड फिक्स होता है, दो पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करती हुई ज्वाइन करती है, प्रोवाइडेड इट इज स्ट्रेट। ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, ये गलत है, सीधी जानी चाहिए। रे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो हो गई आपकी रे। लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग भी फिक्स है, एंड भी फिक्स है, वो हो गई आपकी लाइन सेगमेंट। इसमें एक कंडीशन होती है कि ये सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे 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 आड़ी टेढ़ी घूम घूम के नहीं जाएगी, सीधा एक पॉइंट पर शुरू होगा, दूसरे पॉइंट पर जाके खत्म हो जाएगा। अभी जो आपकी लाइन सेगमेंट होती है उसको ज्वाइन करने से क्या क्या बनता है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो बनेगा, पहली चीज बनती है, जैसे आपने अगर आप दो लाइन ले लेंगे, दो लाइन सेगमेंट्स, तो ये ज्वाइन नहीं होंगे, या मे बी आपने उनको ज्वाइन कर दिया, ये इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे, कोई क्लोज फिगर नहीं बनता है। अगर तीन हुई, जैसे ये दो थी, अगर तीन हुई तो तीन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बनेगा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये उसका कोना होता है, एक दो तीन, तो इसके होते हैं तीन वर्टेक्स और होती हैं तीन साइड्स, ये इसकी साइड्स हैं। तो हमने तीन लाइन ली, तीन लाइनें जोड़ दी आपस में, तो जहां जहां से वो लाइन जुड़ी है, एक दो तीन, तो ये हो गए हमारे वर्टेक्स, और जो जो इसकी लाइन है, जो साइड्स हैं जिससे ट्रायंगल बना है, जिसके अंदर ये एरिया एनक्लोज्ड है, वो होगी हमारी साइड्स। दो प्रॉपर्टीज याद रखेंगे ट्रायंगल की, थ्री वर्टेक्स थ्री साइड्स। इसके बाद जो आपका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जो भी आपका एनक्लोज सरफेस है, जो भी आपका फिगर है, जो भी आपकी वस्तु है, उसमें अगर आप यहां से चलना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, जब यहाँ पे वापस आएंगे तो आपने कितना डिस्टेंस चला, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3। अभी हम जाएंगे डिटेल में कितने टाइप के अलग अलग ट्रायंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, किनका पेरीमीटर कैसे निकालता है, किनका एरिया कैसे निकालता है, ये हो गया पेरीमीटर। दूसरी चीज़ में आती है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये आपका ट्रायंगल है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ए बी सी, तो इसका नाम हो गया, ट्रायंगल को डिनोट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी से।
हम ट्राइंगल पीछे ट्राइंगल बना देंगे, इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल एबीसी हम बता रहे हैं। तो ये ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी जो है, तो लाइन जो एसी है वो हो गया इसका बेस, क्यों? क्योंकि इस पर रखा हुआ है। आप इसे घुमा के भी रख सकते हैं, अगर आपको इसको ऐसे रखना है वैसे रख दीजिए, यहां पे आप एक ऊपर कर दीजिए, बी को उधर कर दीजिए, सी को उधर कर दीजिए, तो आपका बेस ये हो जाएगा। तो बेस डिपेंड करता है कि आपको ट्राइंगल रखा कैसे है, ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है कि और घुमा के रखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला आपका हमेशा यही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं हाइट पे, तो हाइट हमारा ये होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है टॉप पॉइंट से लेके बेस तक, जो आपका वर्टेक्स है बी, इससे बेस तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हाइट नहीं होगी, ये हाइट नहीं होगी, ये हाइट नहीं होगी, ये हाइट नहीं होगी। हाइट क्या होगी? जो यहाँ से परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो जो मेरा टॉप है और बेस है उसके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल हो सकता है, ये भी ट्रायंगल हो सकता है, तो जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है इसके लिए ये इसका हाइट होगा। ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, खड़ा आना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, यहां पे ये इसका हाइट होगा, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर ट्रायंगल एबीसी का मैं एरिया लिखूंगा तो वो होगा हाफ, इसका बेस क्या हो गया एसी, इंटू इसका हाइट है, इसको हम डी ले लेते हैं, ये हो जाएगा इंटू बी डी। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, हाफ, बेस हमारा कितना है जेड एक्स, और हमारी हाइट हो जाएगी के वाई। तो इसे ट्राइंगल के एरिया हमको याद रखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये कहां से आया हाफ बेस इंटू हाइट, ये देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है तो ये हाफ क्यों आया, इसको और ले लेते हैं। ये क्या है मेरा, ये है मेरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, फोर लाइंस इनक्लोज्ड फिगर, अ फिगर विच इज इनक्लोज्ड इन फोर लाइंस। चार लाइंस दिख रही हैं आपको, एक दो तीन चार। अब इसमें मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा आपको पता है, अगर मैं लूँ इसमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हो जाएगा आपका बेस ए बी इंटू हाइट ए डी। अब ये कहाँ से है ए बी इंटू ए डी, मान लीजिए जो मेरा ये ए बी है इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, या इसे भी छोटा कर देते हैं 1 mm कर देते हैं इसको। तो अगर आप 1 mm की पतली, जैसे यही है अगर इसको मान ले 1 mm की लकड़ी है ये, इस पर 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक रेक्टेंगल। तो उसी तरीके से अगर ये 1 है तो हम इसके ऊपर रखते चले गए 2, 3, 4, 5, 6 करते 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 करते, अब हमने कितनी रखी, हमने इतनी रखी हैं, और ये कितना है ए डी, इसीलिए ए बी इंटू ए डी जो आपका बेस है, आपने कितनी ये ली है उसकी मोटाई कितनी है वो इतना। तो यहाँ से आता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी ट्रायंगल क्या है, इसको मैं बीच से काट देता हूँ,
काट दिया इसको बीच से, क्या निकल गया है मेरे पास? दो ट्रायंगल निकल के आ गया। अब ये ट्रायंगल क्या है? अगर ये जो पूरा बड़ा वाला है इसका अगर मेरा एरिया है ए बी इंटू ए डी, अब क्योंकि ये मेरा डायगनल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायगनल से जो डायगनल होता है उसको बराबर दो हिस्सों में बांटता है, तो उसी तरीके से क्योंकि हमने इसको बराबर दो हिस्से में बांटा है तो जो ट्रायंगल बना है मेरा ए डी सी उसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ए बी इंटू ए डी। तो यहाँ से हमने दो चीज़ सीखी, पहली रेक्टेंगल का एरिया कहाँ से आता है, दूसरा ट्रायंगल का एरिया आता है कहाँ से आता है, जो हाफ है ये क्यों है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में सिंपल होता है, चार लाइंस लीजिए उनको जोड़ दीजिए, जो जो पॉइंट्स में जोड़ा है ए बी सी डी। तो हमने इसमें क्या किया, हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, चार ए बी सी डी, और साइड्स हैं चार। कोई भी फिगर जिसमें चार साइड्स हैं चार वर्टेक्स हैं वो होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये लाइंस ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, ये लाइंस ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, वो सीधा होना है, दे हैव टू बी स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइंस जॉइन होंगी क्योंकि लाइन बाय डेफिनेशन स्ट्रेट होती है, देयर आर नो कर्व्स, देयर आर नथिंग। तो इसलिए चार वर्टेक्स चार साइड्स से हमको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल। अभी हम आगे आते हैं, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, टाइप्स क्या होती हैं इनकी। पहली टाइप है इसकी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमने पहले पढ़ा था, दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस जो कभी मिलती नहीं है, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है ये, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा एच रहेगा। दो लाइंस जो कभी मिलती नहीं है और जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी दो लाइंस हम पैरेलल लेंगे और उसमें हम इंटरसेक्ट कर देंगे एल वन एल टू। कोई भी दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, दो साइड्स पैरेलल होने चाहिए, या तो वो L1 L2 पैरेलल हो सकते हैं या तो आप इसमें ले लीजिए L3 L4, दोनों में से कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। यहां बना देता हूं, L3 L4। तो पैरेललोग्राम में दो लाइंस पैरेलल होंगी, दो साइड्स पैरेलल होंगी, या तो ये दो पैरेलल होंगी या तो ये दो पैरेलल होंगी। जो पैरेलल नहीं है वो कैसे भी जा सकता है, हाँ एक पॉइंट पे मीट नहीं करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं है क्या, ये मेरा ट्रायंगल एक हो गया या दूसरा ट्रायंगल हो गया, मीट नहीं होना है। चार मेरे को साइड अलग अलग मिलने चाहिए, यहाँ पे चार अलग अलग मिले हैं, यहाँ पे चार अलग अलग मिला, तो ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हम आए पहले क्वाड्रिलेटरल, फिर आए हम पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम से फर्दर नीचे जाएंगे। अब लाइन अगर पैरेलल है तो ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल है, इसको लाइन कैसे काट सकती है, दो और पैरेलल लाइन काट सकती हैं L1, L2, L3, L4। जो हमारी L1 है वो पैरेलल है L2 से और L3 है वो पैरेलल है L4 से। अगर मेरी ये कंडीशन होती है तो ये मुझे देंगे रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन होती है रेक्टेंगल के लिए, जो मेरी साइड्स है जो मेरा इंटरनल एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए,
चार एंगल 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, तो ये मेरा बनेगा रेक्टेंगल। अगर 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो अब इसमें भी आप देखेंगे L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये बन जाता है मेरा पैरेललोग्राम। और इसके बाद अगर जो मेरा ये है साइड्स चारों अगर ये बराबर हो जाती हैं, आप ले लीजिए ए बी सी डी, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तब ये बन जाता है रोम्बस। रोम्बस के लिए सारी साइड्स मेरी बराबर होनी चाहिए, ये H1 लेता है, ये भी H1, ये भी H1, ये भी H1, और ये भी H1। सारी साइड अगर मेरी बराबर हो गई तो रोम्बस, सारी साइड अगर बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम। दो साइड हमें कॉमन चल रहा है, अगर ये सारी साइड्स पैरेलल हैं और 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल। तो अभी हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल होता है हमारा ए बी सी डी, दो साइड्स पैरेलल और हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री, हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। विड्थ ले लो या ब्रेथ ले लो, जो भी हो। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारी विड्थ हो गई, एल लेंथ डब्ल्यू विड्थ। अभी आता कहाँ से है पेरीमीटर, कहाँ से आया, ये फॉर्मूला किधर से आया? मैंने बताया था कि जब हम अगर हमको एरिया पेरीमीटर मेजर करना है तो इसकी बाउंड्री पे हम भागेंगे 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 और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आ जाएंगे और हम देखेंगे हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम कितना चले हैं। तो हम कितना चले हैं, पहले हम एल चले, फिर हम डब्ल्यू चले, फिर हम वापस एल चले, फिर हम वापस डब्ल्यू चले। तो इसमें से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एल प्लस एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से मैंने एल कॉमन ले लिया, क्या बचा टू। यहाँ से मैंने W कॉमन ले लिया, बचा 2। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, L प्लस W। तो यहाँ से आइए वाला फॉर्मूला। सिमिलरली सेम केस बनता है हमारा स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेक्टेंगल। सेम कंडीशंस है, ए बी सी डी, लेकिन इसमें जो मेरी साइड होती है सब मेरी एल वन रहेगी। सारी साइड सेम होती हैं, इसमें मेरी साइड अलग थी, यहाँ डब्ल्यू था, यहाँ पे एल था, यहाँ सब एल चलेगा। तो इसका पेरीमीटर मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं पेरीमीटर देखूँ तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा L1 प्लस L1 प्लस L1 प्लस L1। यहाँ से शुरुआत करी और भाग के वापस, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स L1। तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर, इसका एरिया L इंटू बी पहले बताया था, इसका एरिया L इंटू एल वन इंटू एल वन जो हो जाएगा मेरा L1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो गया, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार रिवीजन करते हैं। हमने पहली चीज़ पढ़ी लाइन, फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी रे, तीसरी चीज पढ़ी हमने लाइन सेगमेंट, चौथी चीज हमने पढ़ी पैरेलल लाइंस, फिर हमने पढ़ा ट्रायंगल,
ट्रायंगल में हमने पढ़ा उसका पेरीमीटर क्या होता है, और ट्रायंगल में हमने पढ़ा उसका एरिया कैसे निकलता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल हमने पढ़ा था कोई भी चार साइड होंगी जुड़ जाएंगे क्वाड्रिलैटरल बन जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो साइड्स पैरेलल होंगे या L1 या L2 या L1 या L2। फिर हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमने पढ़ा पेरीमीटर, फिर हमने उसके बाद उसको पढ़ा एरिया। पेरीमीटर हमने क्या निकाला था, 2 times लेंथ प्लस विड्थ। एरिया क्या हमने निकाला था, लेंथ इंटू विड्थ। फिर हमने पढ़ा था रॉम्बस, रॉम्बस में क्या था, आपकी कोई भी दो साइड्स पैरेलल रहनी चाहिए। फिर हमने 10वीं चीज पढ़ी थी हमारी स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है, बस उसमें क्या होता है कि जो चारों साइड्स होती हैं चारों बराबर होती हैं। इसका भी हमने पढ़ा पेरीमीटर और हमने इसका पढ़ा एरिया। पेरीमीटर से क्या होता है, 4 times लेंथ। एरिया हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर, कोई भी आप साइड उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये हमने 10 चीज पढ़ी बेसिक मेंसुरेशन में। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं आपके जो कोर्स में दिया हुआ है मेंसुरेशन 1, हम इसके बाद शुरू करें। ये सारा बेसिक था, इसके बाद अब मैं कोई भी चीज़ समझाऊंगा तो आपको डाउट नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया वर्टेक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया साइड क्या होता है, लाइन कहाँ से होती है, एक लाइन रही तो क्या हुआ, दो लाइन रही तो क्या हुआ, तीन लाइन रही तो क्या हुआ, चार लाइन्स रही तो क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम मेंसुरेशन की तरफ। तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज, रेक्टेंगल, पैरेलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ और कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हम सबसे पहले आते हैं रेक्टेंगल पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, रेक्टेंगल, तो ये मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल में सब सील होना चाहिए, कोई भी साइड खुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा इस रेक्टेंगल का एरिया था, बेस, बेस मेरा क्या है, एडी इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरा सी डी, ये मेरा 90 degree है, रेक्टेंगल है तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड्स ये बराबर, ये और ये बराबर, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये 90 degree, ठीक है। इसको हम एरिया लिख सकते हैं एडी इंटू सी डी, या फिर अगर आपको इसको बेस बनाना है तो आप इसको बेस बना लीजिए, ए बी बेस बना लेते हैं, ए बी इंटू या तो बी सी लिख लीजिए या तो ए डी लिख लीजिए, बी सी लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एरिया। सिमिलरली पेरीमीटर, भागे सारी तरफ में, ये है मेरा L1, ये है मेरा L2, इसको ले लीजिए, इसको हम लेंथ ले लेते हैं, इसको हम विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे हमने पढ़ा था 2 times लेंथ प्लस विड्थ, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। हमने डिस्कस कर लिया कि एरिया क्यों आया, पेरीमीटर क्यों आया, कहाँ से, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अभी हम चलते हैं दूसरे में, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम में क्या होता है, मेरी जो दो साइड्स हैं, टू साइड्स विल बी पैरेलल, दोनों साइड्स एडी बीसी भी पैरेलल होंगी, ए बी सी डी भी पैरेलल होंगी, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरी पैरेलल हो गई और ये मेरी पैरेलल हो गई,
ए बी सी डी। अभी इसकी जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये और ये, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, प्लस ये दोनों बराबर भी होती हैं। ये एंगल मेरा और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल मेरे बराबर होते हैं। तो आपकी चारों साइड, दो साइड्स बराबर होंगी, दो एंगल्स बराबर होंगे। ये बी सी ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और आपका ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, एक कंडीशन वन। ठीक है, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी और ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ये है मेरी कंडीशन वन, ये है मेरी कंडीशन टू, और जो मेरी तीसरी कंडीशन बनेगी, जो मेरी तीसरी कंडीशन है वो होगी एंगल वैली। तो एंगल डी ए बी बराबर होगा एंगल डी सी बी। डी ए बी क्या है? डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, डी सी बी क्या है? डी सी बी मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये होगी हमारी बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। अब हम आएंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, उसमें हम एग्जांपल्स भी लेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर हमको एरिया दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, तो हाइट कैसे निकालें। अगर हाइट दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है तो साइड कैसे निकालें, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। मैथ्स में बड़ी अच्छी सी चीज़ होती है, एक मैथ्स में अगर आपके पास एक फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ये कोई भी एक फॉर्मूला हम मान लेते हैं, तो इसमें से अगर हमें कोई भी दो चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ होती है, आप देख ही चुके होंगे अब तक, जब से आप पढ़ रहे हैं तब से। तो हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 90 डिग्री हो ना हो ज़रूरी नहीं है, अगर वो 90 डिग्री हो जाती है तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाता है। ए बी सी डी, अब हम इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसकी हाइट क्या है? ये इसकी हाइट है, यही हाइट है ना इसकी, तो हम इसको हम ले लेते हैं x। इसको ले लेते हैं हम y। अभी जो आपका ए वाई है और डी एक्स है, ये दोनों बराबर है। कैसे? ये दोनों जो आपकी लाइन से पैरेलल है, ये और बराबर भी हैं। ये आपकी लाइन्स पैरेलल है, इसके मतलब, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जितना यहाँ सरका है उतना ही यहाँ भी सरका है, सेम। अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए, ये जो मेरी साइड है, आपने सिमिलारिटी वाला रूल पढ़ा होगा ट्रायंगल्स में, कि अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल सेम होता है तो उसका तीसरा साइड भी सेम होता है। ये देखिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी बराबर है, ये वाली जो मेरी लाइन है ये बराबर है ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसके बाद ये जो एंगल है ये बराबर है, कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि उन्हें परपेंडिकुलर बाई लाइन डाली है उसके ऊपर हाइट लेने के लिए। तो एंगल बी वाई ए इज इक्वल टू एंगल सी एक्स डी। ठीक है, तो मेरा ये बराबर है, ये बराबर है।
अब आप देखिए, जो मेरा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी बराबर होगा। कैसे? देखिए, आपको एक चीज पता है, अब क्योंकि ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा? मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ एंगल वन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, उसके बीच में हम इसको काट रहे हैं, तो ये और ये हमेशा 180 डिग्री होती हैं। ये ट्राइंगल की बेसिक, पैरेलल लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये वाली और ये एंगल सेम होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा ए बी 180 डिग्री। तो अगर मेरा ए बी 180 डिग्री है और मेरा एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है। सीधी लाइन है, ये मेरा 180 डिग्री होता है, तो ये आधा, ये इधर का और इधर का पार्ट, दोनों 180 डिग्री। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, 180 कॉमन था तो इसको यहाँ ले आए। एंगल बी, एंगल बी दोनों तरफ सेम है, तो इसका क्या मतलब हो गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो हमने देख लिया। तो इसमें क्या हो गया, ये एंगल भी मेरा बराबर है। जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है ए सी में, वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो मेरे तीनों एंगल बराबर हैं, ये वाला एंगल, 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 दोनों ट्राइंगल के। तो तीनों अगर मेरे एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब मेरा ट्राइंगल सिमिलर है। और क्योंकि मेरी एक साइड भी इसमें जो है वो भी बराबर है, इसका मतलब मेरे ट्राइंगल सेम हो गए। तो जो डायमेंशन इसके हैं, सेम डायमेंशन इसके भी हैं, तो इसीलिए ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। अब हम आएंगे इसका एरिया निकालने पर। मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल निकाल के यहाँ लगाऊँ, फिर ये क्या हो जाएगा? ये बराबर यहाँ से उठ के यहाँ लग जाएगा। देखिए, ए वाई और डी एक्स बराबर है, इतना पार्ट ही यहाँ के लगा है, देख लीजिए सेम है। ये साइड बराबर है, तो मेरे को, मुझे यहाँ पे एक फिगर मिल गया। पूरी मिल गई मेरे को फिगर यहाँ पे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा के मैं दोबारा बनाता हूँ। ये था मेरा इनिशियल पैरेललोग्राम, इसका नाम था ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमने दो ट्रायंगल्स बनाए, एक तो ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ये था। अभी मैंने आपको बोला इसको हम कर देते हैं x, इसको हम कर देते हैं y। तो अगर जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, इसको मैं उठा के यहाँ लाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ये वाला ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल a बी वाई बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स बी, सही है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ के। फिर पैरेलली जो मेरा ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल डी वाई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी के सी। चलो, चार ट्राइंगल मिले यहाँ पे, एक दो तीन और ये
चार, और ये मेरा जो बीच वाला है ये मेरे को मिला है एक रेक्टेंगल, इसको हम देते हैं पाँच। तो अगर मुझे मेरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 2 + 5 + 3, यही होगा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा एरिया 1 और 3 का बराबर है, बराबर है, अभी हमने पढ़ा था पहले, 1 2 3 4, ये जो चारों फिगर्स हैं हमारे, 1 2 3 और ये 4, हमारे जितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर चारों, सबका एरिया बराबर है, क्यों, सबका बेस उतना ही है। सबकी हाइट उतनी है, ठीक है, सब राइट एंगल्ड है और सबका एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, इसलिए क्योंकि मेरे तीनों साइड्स और तीनों एंगल सब सेम है, इसलिए मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सेम होगा, 1 2 3 4। तो अभी मेरे को जब पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो मेरे को चाहिए 2 5 3, तो यह 2 ये 5 3, अगर मैं 3 को इसमें से हटा करके 3 की जगह 1 लिख सकता हूँ क्योंकि एरिया सेम है, तो मुझे चाहिए 1 + 2 + 5, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये है मेरा बेस B, ये है मेरा बेस B, ये है मेरी हाइट H, तो सिर्फ इतने का एरिया मैं निकालता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस कितना है इसका YB, इनटू हाइट कितना है H, ठीक है। दूसरा हो जाता है मेरा ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल 2 का एरिया कितना है, बेस हाफ, बेस कितना है मेरा AX, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट है मेरी H, प्लस फिगर जो मेरा 5 है, 5 का मेरा बेस कितना है XD, प्लस हाइट कितनी है H, यहाँ से मेरे एरिया आ जाना चाहिए तीनों फिगर्स के लिए, फिगर 1 का एरिया ये रहा, फिगर 2 का एरिया ये रहा, फिगर 5 का एरिया ये रहा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इस एरिया को ये कितना आता है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को वापस यहाँ लिखता हूँ मैं। अब आप देखिए इसको मैं सबको इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कॉमन क्या निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, तो मैंने एच कॉमन निकाल लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, हाफ इंटू वाई बी, प्लस यहां कितना बचा, हाफ इंटू एक्स, और यहां से क्या बचा, एक्स टी, ठीक है। अब इसमें से आप देखेंगे एक्स प्लस एक्स डी, आपको दिख रहा है ax प्लस एक्स टी, यहां मेरे को क्या दिख रहा है yb, तो yb और ax बराबर है, ये और ये सेम है, अभी आपको बताया था, तो हम इसको सेम ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं l1 और इसको हम कर लेते हैं l2, जो मेरा xd वाला डायमेंशन है ये, ये हो गया मेरा l2, ये हो गया मेरा L1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H हाफ इंटू L1 प्लस हाफ इंटू L1 प्लस L2, ये कितना हो जाएगा, हाफ L1 हाफ L1 L1 H इंटू L1
प्लस एल टू, तो यहां से मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरा क्या रहेगा, एल वन एल टू क्या है मेरा, जो मेरा बेस है वो है एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू बी, ये देखिए एल वन एल टू बी, तो मेरा एरिया कितना निकल के आएगा एच इंटू बी, तो ये आ गया सेम जो हमारे रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला था बेस इंटू हाइट, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का हमको बेस दिया हुआ है बी 15 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये है मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका जो बेस है 15 सेंटीमीटर्स, जो मेरी हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में हाइट दिया आपको, ये नहीं दिया, हाइट दिया 5 सेंटीमीटर्स, तो हमने पढ़ा था अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया कितना निकल जाएगा, बेस है मेरा 15, हाइट है मेरा 5, 15 फाइव था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर 15 फाइव 75, तो ये निकल के आ गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू देखेंगे। क्वेश्चन टू मेरा बोलता है फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया है मेरा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो मेरी हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर्स, तो जो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया है ये है 75, जिसकी हाइट है वो है 5, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइट, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें पता है, एरिया पता है, हाइट पता है, बेस नहीं चाहिए, तो निकल के आ जाएगा इक्वेशन है, इक्वेशन में डालिए 75 इज इक्वल टू बी इंटू हाइट कितना है मेरा 5, मेरे को बी कैलकुलेट करना है, तो बी इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो उसमें हमको बेस पता था, हाइट पता थी, एरिया निकालना था, निकल गया। इस क्वेश्चन में हमको एरिया पता था, हाइट पता थी, बेस निकालना था, बेस निकल गया। अब हम चलेंगे टाइप थ्री क्वेश्चन पे, ये मेरा हो गया क्वेश्चन टू, दिस वॉज टाइप टू, इसके पहले जो हमने पढ़ा था दैट वॉज टाइप वन, अब हम करेंगे टाइप थ्री। तो टाइप थ्री में हम क्या करेंगे, एरिया मैं रख देता हूँ 96 और जो मेरा बेस है वो है 12, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया कितना है 96, बेस में इतना मेरा कितना है 12, हाइट मुझे पता कराना है, सेम है 96 इज इक्वल टू 12 इंटू एच, एच को यहाँ ले गया है 96 डिवाइड बाई 12, 12 एजर 96, तो हाइट आ गया मेरा सेंटीमीटर्स। तो इसी तरीके से हमने टाइप थ्री टाइप टू तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके, हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया, तो इसी के साथ मेरा हो जाता है पैरेललोग्राम खत्म। अगला मैं आता हूँ रॉम्बस पर।